हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 1.4 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी 1.5 स्टार्ट करेंगे, जो डिपेंड है फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड क्या है? सॉल्यूशन निकालना। जो हम पावर हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं पावर सीरीज़ के सॉल्यूशन की। तो आपने किस ऑर्डरी पॉइंट के बारे में स्टडी कर लिया, आपने सिंगुलर के बारे में कर लिया, रेगुलर सिंगुलर और रेगुलर इरेगुलर सिंगुलरिटी के बारे में स्टडी कर लिया। तो हम फ्रोबेनियस मेथड जो है ये हमारा, वो हम कब अप्लाई करेंगे, ये सॉल्यूशन कब निकालेंगे, जब आपका एक्स इक्वल टू जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम ये सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे। तो इसका ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम बेस्ड पर है जैसे आप क्वेश्चंस करते हो। तो हम इसका डायरेक्ट ही वर्किंग रूल देखेंगे और इस पर क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। वर्किंग रूल वही सेम इक्वेशन के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो जब आपका क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने स्टडी करा था उस सॉल्यूशन की, जब आपका एक्स इक्वल टू जीरो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है तो उसके अबाउट आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा था। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तब कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा आपने हम स्टडी करते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट वेरीफाई डैट, हम पहले वही देखेंगे जो हमने थर्ड एक्सरसाइज में काम करा था कि जीरो रेगुलर सिंगुलर है या नहीं है। अगर जीरो रेगुलर सिंगुलर है तो हमने सॉल्यूशन लेट करना है ये वाला। ठीक है, जब जीरो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होता था तो हम सॉल्यूशन लेट करते थे समीशन ए एम एक्स की पावर एम एम रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है आर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को आपने याद रखना है जब जीरो क्या है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। फिर वही सेम मेथड अप्लाई होगा, कुछ नया काम इसमें नहीं होगा, जो लास्ट में नया काम होगा वो हम स्टडी करेंगे। फिर वही वाई सॉल्यूशन लेट करा, जो जो इक्वेशन के लिए चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर वही हम उसमें सब इक्वेशंस को पुट करेंगे। फिर क्या करोगे, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स। फिर वही लिस्ट पावर। अब यहाँ एक नया नाम आएगा आपके पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगी तो मैं साथ साथ आपकी क्वेश्चंस पे भी चलूँगी। सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन लेट करना है। सॉल्यूशन क्या लेट करना है, आपको सॉल्यूशन लेट करना है कि y इज इक्वल्स टू समीशन ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर। तो फिर वही सबकी वैल्यू y की dy बाई डी एक्स की डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन इक्वेशन में पुट करनी होती है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने पुट करके उसको इक्वेट करना है जीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x। फिर वहाँ से आपको एक नया नाम मिला इस एक्सरसाइज में, इंडिकल इक्वेशन। इंडिकल इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, लोएस्ट डिग्री को आप जीरो पुट करते हो, वो सब हम क्वेश्चन से समझते हैं। इससे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा क्लियरिटी इसके क्वेश्चन से होगी। तो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं और जो डाउट आएगा उसको हम साथ साथ लेते हैं। यहां एक नई चीज आएगी m। देखो, ऑब्टेन द रूट्स ऑफ इंडिकल इक्वेशन, जो रूट्स आएंगे इंडिकल इक्वेशन को उनको आपने m का नाम m देना है। देखो, सॉल्यूशंस ऑफ द, अब रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो दोनों सेम हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, डिस्टेंट हो सकते हैं, वो क्या होंगे वो डिपेंड करेगा। देखो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रूट ऑफ इंडिकल इक्वेशन। जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का वो किस पर डिपेंड करेगा, रूट्स ऑफ इंडिकल इक्वेशन। सॉल्यूशंस आर डिस्कस इन द फ्लोइंग केसेस एट गिवन बिलो। ये रहे आपके सॉल्यूशन गिवन है। अगर दोनों रूट कैसे हैं, एम वन रूट, मान लिया कि दो रूट हैं एम वन और एम टू, दो रूट हैं। अगर एम वन बाय सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू एम वन इन अदर इक्वेशन ऑब्टेनिंग टू इक्वेट टू जीरो कॉफिशेंट ऑफ वी ऑब्टेन दिस इन टर्म्स। तो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, सिमिलरिटी दिस। तो हम डायरेक्टली अब इसमें जितने रूट्स होंगे उतने ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक u की फॉर्म में एक v की फॉर्म में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू सेट ऑफ कॉफिशेंट ऑब्टेन। जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो, पहला क्या है, दिस सबसे पहले क्या करते हो, चेक करते हो कि कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा रेगुलर सिंगुलर है, कौन सा इरेगुलर सिंगुलर है। पी और क्यू से चेक होता है। पी और क्यू से देखा तो यहाँ देखा कि जीरो जो है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी बन रहा है, तो जीरो इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो या तो वो क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर होगा या वो इरेगुलर सिंगुलर होगा। तो एक्स माइनस में जीरो पी एक्स निकाला, वन बाय टू आया, दिस निकाला, दिस आया, तो दोनों क्या आएंगे, एनालिटिक आ गए हैं।
है, तो दो एनालिटिक आए तो क्या होगा, एक्स जीरो कैसा है, रेगुलर सिंगुलर है। जैसे ही रेगुलर सिंगुलर आएगा तो आपने कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई करना है, फ्रोबोनियस मेथड वाला, मतलब वाई इज इक्वल्स टू समीशन ए एम ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर, यहाँ से आपको चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसका डेरिवेटिव निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, यहाँ तक तो वही सेम मेथड आया, सिर्फ क्या करा आपने सॉल्यूशन अलग लेट करा। अब क्या करना है, इन सब की वैल्यू को क्या करोगे, आपने गिवन इक्वेशन में पुट करना है जैसे आपने पहली एक्सरसाइज करी है। तो वही सेम काम करा, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो ये चीज़ पुट करें। अब देखो यहाँ से अब सोल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो पावर कितनी रह जाएगी, ये एक्स स्क्वायर है, ये कितनी है एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस टू, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर सिर्फ एम प्लस आर रह जाएगी। यहाँ भी देखो एक एक्स है एक ये है, तो वन से वन कैंसिल, एक्स की पावर सिर्फ एम प्लस आर, सेम एम प्लस आर एज इट इज़, यहाँ आ जाएगी एम प्लस आर प्लस टू। तो हमने क्या करना होता है, हमने जैसे हम सॉल्यूशन क्या लेट करते थे, समीशन एक्स, जैसे हम क्या करते थे पिछली एक्सरसाइज में, जो हम सॉल्यूशन लेट करते थे पावर्स को उसी फॉर्म में बनाना पड़ता था, मतलब हमने एक्स की पावर एम बनानी होती थी। यहाँ हमने सॉल्यूशन क्या लेट करा था, एक्स की पावर एम प्लस आर, तो हम इन सॉल्यूशंस को भी सबको एम प्लस आर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी एम प्लस आर में है, ये भी एम प्लस आर में है, ये भी एम प्लस आर में है, बट ये एम प्लस आर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे किसको, हमने एम प्लस आर बनाना है, एम एज इट इज़, आर प्लस टू को क्या पुट करोगे, के। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, आर प्लस टू को क्या पुट करोगे, के। तो यहाँ से आपके पास पुट कर दिया आपने, फिर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी के माइनस टू, यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी के माइनस टू, ठीक है। तो उसके बाद फिर वेरिएबल को चेंज कर रखा है, के को आर, तो के माइनस टू इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू टू, तो के की जगह क्या पुट कर दिया, आर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली चीज़, जैसे आपने पहले क्वेश्चन से पुट करा था। फिर वही सेम चीज़ जीरो पुट करके देखोगे, जो आप पहले काम करके आते थे, ये तो आपने पहले करा हुआ है। तो जीरो पुट करा, जीरो सिर्फ इन तीनों में पुट हो सकता है, तो उन्होंने क्या करा, इक्वेट पड़ा, पुट करा जीरो, यहाँ से जीरो आएगा, आर को जीरो पुट करोगे, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या करा, पहले आर को जीरो पुट करा, देखो टू एम प्लस जीरो दिस, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करा हमने, इसमें ये चीज़ करी है, R को जीरो पुट करा और यहाँ पे R को वन पुट करा। फिर हमने क्या चीज़ करी है, इसके बाद हमने सेम इसमें करा, टू स्टडी कर दी, मतलब टू तक यहाँ भी ओपन कर लिया हमने, क्योंकि लास्ट टू तक लेके जाना है, यहाँ तक ओपन कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, टू तक लेके गए हुए हैं, बाकी हमने सारा यहाँ पर ओपन करके लिख दिया। ये कैसे आया देखो एक बार, जब हमने इसमें ज़ीरो पुट करा, ये रहा, ज़ीरो पुट करोगे तो टू एम आर ज़ीरो एज इट इज़, तो इसमें कितना आएगा एम माइनस वन, ये आ गया ज़ीरो वाली टर्म, और यहाँ पर ए ज़ीरो एक्स की पावर एम बचेगा, ठीक है। जब आप इसमें ज़ीरो पुट करोगे, इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करा इन्होंने, एम प्लस वन पुट करा। जब यहाँ पर एम प्लस वन पुट करोगे तो यहाँ से ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पर, हाँ जी देखो यहाँ पर यही चीज़ कर रखी है, जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट थी, तो सबसे पहले हमने इसको ज़ीरो और वन के लिए ओपन कर लिया पूरी इक्वेशन को। इसको जब हम जीरो के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा आर ज़ीरो टू एम एम माइनस वन ए नॉट एक्स की पावर एम, फिर वन के लिए ओपन करा टू एम प्लस वन एम बचेगा आर वन से वन कैंसिल, ये चीज़ बचेगी। फिर ये आर टू के लिए एज इट इज़ रह जाएगा, ये टू के लिए ये सेम, मैंने इसको एज इट इज़ उतार लिया, एम प्लस आर एम प्लस आर माइनस वन इंटू ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर। फिर इसको भी ओपन करें, इसको ओपन करा, ये माइनस अंदर ले लेते हैं, ज़ीरो के लिए ओपन करोगे एम ए नॉट एक्स की एम प्लस वन करोगे, वन पुट करोगे तो एम प्लस वन इंटू ए वन एक्स की एम प्लस वन, ठीक है। ये ओपन करा और ये प्लस में, ये बाकी सेम चलेगा सारा, प्लस कौन सा रहेगा, समीशन आर रनिंग फ्रॉम टू टू इन्फिनिटिव, ये एम प्लस आर ए की आर एक्स की एम प्लस आर, ये सारा अच्छा। फिर इस पर करते हैं, फिर प्लस ये कितना बचेगा, ज़ीरो पुट करोगे तो ए ज़ीरो एक्स की एम ए वन एक्स की एम प्लस वन, फिर आर रनिंग फ्रॉम टू टू इन्फिनिटिव
ए आर एक्स की एम प्लस आर, थ्री तो एज इट इज़ है। तो देखो अब आपकी बुक में क्या करके लिखा हुआ है। सबसे पहले लोएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को कंपेयर करा। लोएस्ट डिग्री कौन सी होती है? एक्स की पावर एम है। वहाँ से निकलता है आपके पास इंडिकल इक्वेशन। इंडिकल इक्वेशन लोएस्ट डिग्री कौन सी है? एक्स की एम। एक यहाँ से आएगी एक्स की एम, एक यहाँ से आएगी एक्स की एम, और एक यहाँ से आएगी एक्स की एम। तो क्या बना? टू एम माइनस वन इंटू दिस, तो ए नॉट है यहाँ पर, एक एम इंटू ए नॉट, और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए नॉट ज़ीरो हो नहीं सकता, तो एम के रूप में इक्वेशन बन जाएगी। एम की फॉर्म में एम माइनस वन प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस ए वन, यहाँ है माइनस वाला, यहाँ से माइनस, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? टू एम स्क्वेयर, ये देखो यही सेम कर रखा है इन्होंने, डायरेक्ट करा। चाहे आप पहले इसमें जीरो के लिए ओपन करना, वन के लिए करना, फिर टू के लिए सबको साथ करके लिख देना। लोएस्ट डिग्री क्या है? एम है। एक्स की एम को क्या करना है? आपने इक्वेशन इक्वेट करना है जीरो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम, जो लोएस्ट डिग्री है एक्स की, क्योंकि उसके बाद पावर बढ़ रही है, एम प्लस वन एम प्लस टू टाइप का हो रहा है। तो लोएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की एम है। वहाँ से क्या निकलेगा? इंडिकल इक्वेशन। ये कई बार नेट और गेट में, जब आप हाइयर स्टडीज़ में जाओगे, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिकल इक्वेशन के रूट बताओ, तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन करना पड़ता है और आपको इंडिकल इक्वेशन के रूट बताने पड़ते हैं। रूट क्या है? दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, सो डिफर बाय एन इंटीजर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट डिफरेंट होंगे तो क्या लॉजिक लगना है। तो फिर वही सेम, एक्स की एम प्लस वन से निकला, एक्स की एम प्लस वन से क्या आएगा? ए वन। मतलब ये क्या करा, पहले मैंने एक्स की एम के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, वहाँ से इंडिकल इक्वेशन के रूट आएंगे, मतलब एम की वैल्यू आएगी। फिर मैंने एक्स की एम प्लस वन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा, वहाँ से किसकी वैल्यू निकल रही है? ए वन की वैल्यू निकल रही है। फिर जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो दो रूट हैं तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग वन बाय टू के कोरस्पॉन्डिंग, और एक इसके कोरस्पॉन्डिंग वन के टू कोरस्पॉन्डिंग। तो इसमें भी यही चीज़ कही थी कि अगर बाय सब्स्टिट्यूटिंग एम इक्वल टू एम वन इन अदर इक्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय इक्वेट टू जीरो वी ऑब्टेन दिस, तो इसमें पुट करोगे, और जब एम इक्वल टू टू पुट करोगे तब यहाँ इसकी वैल्यूज निकालोगे। तो क्या होगा, किसकी टर्म्स में निकालोगे? ए नॉट की टर्म्स में निकालोगे दोनों की वैल्यू। तो वहाँ से क्या आएगा? दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। कौन कौन से? एक यू और एक वी। तो जिसका जनरल सॉल्यूशन होगा फिबोनियस मेथड में, या जब आपका एक्स इक्वल टू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन आप इस फॉर्म में लिखोगे। तो देखो उन्होंने यही चीज़ कर रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यही चीज़ करी, सबसे पहले हमने एम इक्वल टू वन लिया, एम इक्वल टू वन पुट करा इस ये वाली में। ए वन तो देखो जीरो ही है, चाहे जो मर्जी पुट करो, ए वन तो जीरो रहेगा। ए आर के लिए यही फॉर्मूला लिखा, ठीक है जी, यही सेम चीज़ करी। एम को क्या पुट कर दिया? वन, ये आ गया। अब एक यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा, जब आर को वन पुट करोगे, टू करोगे, थ्री करोगे, फोर करोगे, और एक एम को क्या पुट करोगे? वन बाय टू। देखो जब इन्होंने ये वाला करा तो आर को टू पुट करा, थ्री पुट करा, यहाँ से सारे कोफिशंट्स की वैल्यू आ गई। फिर क्या करोगे? एम वन इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया ये, तो इसकी फॉर्म में। फिर हम को क्या पुट करोगे? हाफ। तो एक यहाँ से एक सॉल्यूशन आएगा, सारी ए नॉट ए वन ए थ्री की वैल्यूज आएंगी। तो क्या करोगे? दोनों के सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिख दोगे, वाई इज इक्वल टू सी वन यू सी टू वी। तो वहाँ से आपका वो क्या आ जाएगा? आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यू वन और वी वन, यू एक्स और वी एक्स क्या है? दोनों एल आई है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है जी। तो यही है, थोड़ा अलग है, थोड़ा कह सकते हैं लेंथी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी है। अगर आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपका बहुत इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो इसका अब सेकेंड एग्जांपल है, सोल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन द पावर ऑफ दिस, तो वही सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, वही सेम एक्सिस में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, सॉल्यूशन लेट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट टू जीरो करोगे, शिफ्टिंग द इंडेक्स पहले एम प्लस आर में चेंज करोगे सारे इंडेक्स को, फिर लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करोगे, इंडिकल इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे। रूट्स क्या है? वन और माइनस हाफ, माइनस वन बाय टू। तो रूट्स क्या हैं? डिस्टेंट हैं और डिफर डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। फिर वही इक्वेट टू इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, वही यहाँ से ए वन की वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वही देखो, जीरो फोर एम इक्वल टू वन एंड हाफ, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ए वन को जीरो होना पड़ेगा। फिर वही दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक किसके कोरस्पॉन्डिंग? वन के कोरस्पॉन्डिंग, और एक किसके कोरस्पॉन्डिंग? माइनस हाफ के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से आप वैल्यूज निकालोगे।
ठीक है। तो आप इसके अब 0-3 तक क्वेश्चंस इसके करोगे आप यहाँ पर, हाँ जी, फिर वही यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आएंगी, x की पावर m प्लस r को इक्वेट करोगे, a1 a0 दो सॉल्यूशंस निकलेंगे, दोनों को आप क्या करोगे लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखोगे। देखो एक सॉल्यूशन वही सेम, तो लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखोगे वो आपको यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। पूरी एक्सरसाइज में आपने एक ही काम करना है, इंडिकल सबसे पहले आपको एक्स इक्वल टू जीरो चेक करना है कि वो रेगुलर सिंगुलर है या नहीं है। इस एक्सरसाइज में रेगुलर सिंगुलर बनेगा। फिर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है y इज इक्वल्स टू समीशन ए एम एक्स की पावर m प्लस आर, सॉरी y इज इक्वल्स टू समीशन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। फिर आपने क्या करना है, वही y की dy by dx की d2y dx स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर आप क्या करोगे, उनकी सबकी वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करोगे, फिर लोएस्ट डिग्री कम टर्म को इक्वेट टू जीरो, पहले सबसे पहले इंडेक्स को एम प्लस आर में कन्वर्ट करोगे सारे इंडेक्स को। फिर क्या करोगे आप, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करोगे, इंडिकल इक्वेशन निकालोगे, रूट्स आएंगे, एम की वैल्यूज आएंगी, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो सॉल्यूशंस आएंगे और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दोगे, तो वहां से आपके पास आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। जब रूट्स के आएंगे वही काम सेम करना है, बस रूट्स क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, तब आपने क्या सॉल्यूशन करना है। तो अगर आपको 1.5 क्लियर होगी तभी 1.6 कर सकते हो, तो आज इसको ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। थैंक यू।